आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डबल डोर फ्रिज यूज करते हैं तो डबल डोर फ्रिज में लाइट तो जलती है, ऊपर के साइड हवा भी आती है, लेकिन नीचे की तरफ कपाट और ऊपर तरफ बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या है, कैसे ठीक करेंगे? तो कुछ कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको मैं इस वीडियो में बताता हूँ, काफ़ी सिंपल और सरल तरीके बताऊँगा चेक करने के और ठीक करने के। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसके दरवाजे को खोलकर दिखाता हूँ। ये इसके अंदर पार्ट में पंखा लगा हुआ है, वो उसकी हवा आ रही है, आवाज़ सुन सकते हैं, पंखे चल रहे हैं, हवा भी आ रही है लेकिन ठंडी नहीं आ रही है। नीचे की तरफ खोलकर चेक करते हैं तो नीचे की तरफ लाइट जल रही है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर ठंडा नहीं हो रहा है। तो जब हम देखते हैं कि ऊपर के साइड हवा आ रही है, पंखा चल रही है, नीचे के साइड देखते हैं तो लाइट भी जल रही है, तो हमें लगता है कि हमारे फ्रिज तो चल रहा है लेकिन ठंडा क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं इस वीडियो में तरीके बताऊंगा, कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसको आप अपने ही घर में खुद से अपने फ्रिज को ठीक कर सकते हैं। मैं बताऊंगा काफ़ी सिंपल और सरल तरीके। तो यहाँ पर हम इसकी दरवाजे को बंद कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसकी दरवाजे को बंद कर दिया है। चलते हैं फ्रिज की पीछे साइड और चेक करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो हम यहाँ फ्रिज के पीछे की साइड आ चुके हैं। यहाँ पर हमें देखना यह है कि ये जो कंप्रेसर है उसको हाथ से छू कर देखते हैं तो बिल्कुल ठंडा है और चल भी नहीं रहा है। यही वजह है कि फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि कंप्रेसर नहीं चल रहा है। चेक करने के काफ़ी सिंपल और सरल तरीके इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आप फ्रिज की पावर प्लग को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने फ्रिज की पावर प्लग बाहर निकाल दिया है ताकि करंट लगने का चांस बिल्कुल भी नहीं लेंगे। कंप्रेसर के पास छोटे छोटे दो सामान लगे होते हैं, रिले और पी, उसको निकालना है तो निकाल देते हैं। ये इसको चेक करने के काफ़ी सिंपल और सरल तरीके इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। उसके लिए हमें लेंगे सिंपल एक बल्ब और एक होल्डर, जो कि घर में आसानी से हम बना सकते हैं। देखिए, बल्ब एक होल्डर ले लिया है, इसको नीचे रखता हूँ और कैमरा थोड़ा डाउन करता हूँ ताकि नीचे की चीज़ें यहाँ पर दिखें। ये देखिए, हमें सिंपल चेक करने के काफ़ी आसान तरीके बता रहा हूँ। इसमें से किसी भी वायर को खोलने से पहले आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन्स हो तो फ़ोटो देखकर फिर से वायरिंग को कर सकें। अब मैं इसकी वायर्स को खोल देता हूँ। ये वायर्स खोलने के बाद इस पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो दो वायर है, जो कि कंप्रेसर की रिले में लगा हुआ था, रिले चालू होगी, कंप्रेसर चालू होगा तो सारी चीज़ें चलेंगे। सबसे पहले हम इसी पार्ट को चेक करते हैं कि फ्रिज के अंदर से जो भी कनेक्शंस यहाँ तक आई हैं वो बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं। तो ये जो बल्ब होल्डर की हमने एक एक वायर को इसके एक एक पॉइंट पर लगानी है। ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरीके से लगा देते हैं। ये इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे ताकि करंट लगने का चांस नहीं हो, वायर आपस में नहीं जुड़े, इस तरीके से रख देते हैं। ये देखें, ठीक है। अब इसको हम चेक करने के काफ़ी सिंपल तरीके हैं, जो कि हम फ्रिज की प्लग वायर को बिजली के बोर्ड से निकाला था उसको बिजली की बोर्ड पे लगाएंगे, लगा कर ये चेक करेंगे कि अगर लाइट जल जाती है तो फ्रिज से आने वाली जो भी कनेक्शंस हैं सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से फाइनली यहाँ पर हम चेक कर पाएंगे। तो इसको लगाता हूँ बिजली की बोर्ड पर। ये बिजली की बोर्ड पे लगाया, लाइट चालू हो चुकी है। फिर से निकाल देता हूँ बिजली की बोर्ड से बाहर। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ फाइनल कर लिया,
कि फ्रिज के अंदर से जो भी कनेक्शंस आई है वो बिल्कुल चालू है। इसके टाइमर्स वगैरह ऊपर, बायोमेटल फ्यूज़ वगैरह कहीं भी, वायरिंग वगैरह में फ्रिज की बॉडी से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो रिले ऑयल पी है उसको चेक करने के तरीके बताता हूँ। ये जो दो वायर हमने जहाँ जहाँ से निकाले थे वहीं वहीं पर दोनों वायर को वापस लगा देनी है। तो मैं यहाँ से लगा लेता हूँ वापस ये। अभी हम सबसे पहले चेक करेंगे ये जो ओवरलोड है वो चालू है या फिर ख़राब। चेक करने के तरीके काफ़ी सिंपल है। ये जो बल्ब होल्डर लिए हैं उसकी एक वायर को हम बीच वाले पॉइंट पे लगा देंगे इस तरीके से। अब ये जो इसकी दूसरी वायर है उसको लगाएंगे, इसकी राइट साइड पे लगा देते हैं। ये देखिए राइट साइड पे लगा दिया। अब मैं इसको नीचे रख देता हूँ, वायर वगैरह फिर से ध्यान दूंगा कि कोई जुड़े नहीं आपस में। फिर से बिजली की बोर्ड पे लगाता हूँ तो यहाँ पर भी लाइट जल जाती है। लाइट जलने के मतलब ये है कि ये जो ओवरलोड है ऊपर वाला वो बिल्कुल चालू है, ये 100% हमने चेक कर लिया। अगर लाइट नहीं जलती तो 100% कंफर्म कर लेते कि ये ऊपर वाला जो ओवरलोड है वो ख़राब हो चुका है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, ये जो रिले दिख रहा है रिले, इस पार्ट को चेक करना है ये ख़राब है या फिर चालू। एक वायर यहाँ से उठाना है, इसी वायर को इसके दूसरे वाली जो छेद बनी हुई है उसमें लगा देते हैं। फिर से उसको मैं इसी तरीके से रखता हूँ ताकि वायर आपस में नहीं जुड़े, शॉर्ट वगैरह नहीं हो। फिर से इसको बिजली की बोर्ड पे हम इसकी प्लग वायर लगाकर देखते हैं तो यहाँ पर भी लाइट जल जाती है। तो ये जो रिले ऑयल पी है वो चालू है, 100% कन्फर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंप्रेसर अगर ख़राब होगी तो कैसे चेक करते हैं। कंप्रेसर नहीं चल रहा है, रिले ऑयल पी चालू है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कैसे चेक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि ऑयल पी और रिले चालू है या फिर ख़राब। कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक पार्ट ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो कंप्रेसर होता है वो नहीं चलता है। तो सिंपल सा तरीका है, फंडा है, ये जो रिले ऑयल पी है उसको मार्केट जानी है, नई खरीद कर सेम लाकर लगानी है। वायरिंग चेक कर सकते हैं, पुराने जैसे वायर्स लगे होते हैं उसी तरीके से वायर्स को लगाने हैं। उसके बाद जब आप अपने उस फ्रिज की कंप्रेसर में नए वाले रिले ऑयल पी की कनेक्शंस को कर देंगे, फिर बिजली की बोर्ड में इसकी प्लग वायर को लगाएंगे तो आप देखते हैं कि आपके फ्रिज का कंप्रेसर चालू हो जाता है, गैस वगैरह होगी तो प्रॉपर कूलिंग करेगी। इस तरीके से बहुत सिंपल और सरल तरीके से आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को पहचानेंगे, ठीक भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।